नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CBSE के 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे कि 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप समझ जाएंगे किसी भी नंबर को किस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने इस सवाल को देख लेंगे। हाउ टू विजुअलाइज 3.675 ऑन नंबर लाइन बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। दोस्तों, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है दिए गए नंबर को आपको नंबर लाइन पे मैग्नीफाई करना है लास्ट पॉइंट तक। दोस्तों, इस तरह का कोई भी सवाल हो, सबसे पहले हमें आंसर में नंबर लाइन को निकालना है। नंबर लाइन किस तरह निकाली जाती है आपको पता ही है। सेंटर पॉइंट पे 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। और 0 के लेफ्ट साइड में हम -1, -2, -3 इन पॉइंट्स को लिख लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया है। दोस्तों, अब देखिए, हमें पता है ये जो नंबर है 3.675, ये नंबर 3 और 4 के बीच आएगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है 3 ये नंबर से, और ये नंबर छोटा है 4 इस नंबर से। दोबारा समझ लीजिए, 3.675 ये 3 से बड़ा होगा और 4 इस नंबर से ये नंबर छोटा होगा। इसी वजह से 3.675 ये नंबर 3 और 4 के बीच होगा और नंबर लाइन पे 3 और 4 के बीच आएगा। दोस्तों, इसके बाद हमें 3 से लेके 4 तक इस सेक्शन को नंबर लाइन पे हमें जूम करना है। तो हम देखेंगे किस तरह से हम इसे जूम करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसके एक साइड पे हमें 4 लिखना है और दूसरे साइड पे हमें 3 लिखना है, क्योंकि हमें 3 से लेके 4 इस सेक्शन को हमने जूम करना है। तो नीचे की लाइन को हमने 3 और 4 इस सेक्शन को कुछ इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। दोस्तों, इसके बाद देखिए 3 से लेके 4 तक इस सेक्शन को हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमें सबसे पहले 9 लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 9 लाइन ड्रॉ करने के बाद 3 से लेके 4 ये सेक्शन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। दोस्तों, इसके बाद हमें उन पॉइंट्स को नंबर दे देने हैं। 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने 3 से लेके 4.0 तक इस लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। अब दोस्तों, ऊपर गौर से देखिए, 3.675 ये नंबर हमारा किन नंबर के बीच में आएगा? ये नंबर इस नंबर लाइन पे 3.6 और 3.7 इन सेक्शन के बीच आएगा। दोस्तों, अब हमें इस सेक्शन को मैग्नीफाई करना है जिस तरह से हमने पहले किया था, क्योंकि 3.675 ये नंबर आता है 3.6 और 3.7 के बीच में। दोस्तों देखिए, 3.675 ये नंबर जो है वो जो नंबर है छोटा है नंबर 3.7 से, और ये नंबर बड़ा है 3.6 इस नंबर से। इसी वजह से ये नंबर जो है 3.6 और 3.7 के बीच में आएगा। दोस्तों, अब हम 3.6 से लेके 3.7 को मैग्नीफाई करेंगे जिस तरह से हमने पहले किया था। तो देखिए, 3.6 पहले लिख लेंगे हम एक साइड में, और दूसरे साइड में हम लिख लेंगे 3.7 एक नंबर लाइन ड्रॉ करके। देखिए दोस्तों, इसके बाद हम 3.6 से लेके 3.7 इस सेक्शन को मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो हम इस सेक्शन के 10 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। तो हम इस सेक्शन के बीच में 9 लाइंस ड्रॉ कर देंगे जिससे हमारे 10 पार्ट्स बनेंगे। तो पहला पार्ट है हमारा 3.61, फिर 3.62, फिर 3.63, फिर 3.64। इसी तरह से हम आगे करेंगे। तो हमें 10 इक्वल पार्ट्स 3.6 और 3.7 के बीच मिल जाएंगे।
दोस्तों देखिए, ये जो ऊपर हमने नंबर लिया है 3.675, तो ये नंबर जो है हमें 3.67 और 3.68 इन दो नंबर्स के बीच मिलेगा। दोस्तों गौर से देखिए, 3.675 ये नंबर 3.67 और 3.68 के बीच आएगा। इसके लिए हमें इन दो नंबर्स को मैग्नीफाई करना है। तो दोस्तों पिछली बार की तरह हम इन दो नंबर्स को भी मैग्नीफाई कर देंगे। तो एक साइड में हम लिख लेंगे 3.67 और दूसरे साइड में 3.68। हम इस सेक्शन के भी हम 10 इक्वल पार्ट्स कर देंगे। तो 10 इक्वल पार्ट्स के लिए हमने 9 लाइन ड्रॉ कर दी। तो इसके बाद देखिए 3.671, 3.672, 3.673, 3.674, इस तरह से हम इन सेक्शंस को ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास जगह कम है लिखने के लिए, इसके लिए हमने इन सेक्शंस को इस तरह से लिखा है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 3.67 और 3.68 इस सेक्शन को मैग्नीफाई कर दिया है। अब गौर से देखिए दोस्तों, हमारा जो दिया गया नंबर है 3.675, ये इस नंबर लाइन पे यहाँ आता है, जिसे हमने सर्कल में ड्रॉ करके दिखाया है। तो देखिए इस तरह से हमने 3.675 इस नंबर को नंबर लाइन पे शो कर दिया है। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे आप बड़ी ही आसानी से शो कर सकते हैं, या हम कहेंगे विजुअलाइज कर सकते हैं या दिखा सकते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन इस मेथड से। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।